नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। क्षेत्र में पारदियों का आतंक चरम पर, रात हो या दिन कभी भी चला देते हैं गोलियां। ऐसा एक मामला सामने आया धरनावा थाना अंतर्गत गोंदलपुर में, जहां 10 से 12 पारदी समुदाय के लोगों ने मिलकर मोतीपुरा कारखाने से काम करके लौट रहे मानसिंह पर गोलियां चला दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पारदी समुदाय के लोगों ने मानसिंह को रोककर उससे पेट्रोल मांगा था, नहीं देने पर गोलियां चलाईं। पुलिस ने एक जिंदा कारतूस के साथ 3 चली हुई गोलियां भी बरामद कर ली हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी भी चुप्पी साधे हुई है। वहीं से बराबर और भी चले हैं वहाँ, मगर 5 तो वहीं पड़े हैं अभी, और भी चले हैं। 15 से 17 पार्ट दिए थे, 4 मोटरसाइकिल से आए, गोली चली, मुझे आवाज़ आई, मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ तो एक लाखन का लड़का गजन, एक बवन का लड़का जिसका नाम है अजमल, उसके साथी जो लोग थे राहुल से लेके आए, एक गोली चली तो मैं घर से उठ के गया। दूसरी गोली चली तो मैं जब तक पहुंच रहा था तो गजन ने उसके पैर पे गोली मारी, ये मैंने देखा है। ये लोग पता है, ये लोग पारदी हैं? ये लोग बिल्कुल पारदी हैं, मैं बाय फैशन को जानता हूँ, पहचान लूँगा। तो एक इनसे क्या पुराने कोई विवाद था क्या? कोई विवाद नहीं हमारा, तो हम तो बस्ती में रहते हैं, आए दिन हमें परेशान करते हैं और हम लोग डरते हैं इन लोगों से। कितने बजे घटना है वजह? ये करीब करीब लगभग होगी 8:30। मृगवास क्षेत्र की पीड़ित नाबालिग बालिका से आज मिलने पहुंची प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। प्रदेश महिला कांग्रेस ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर पीड़ित बालिका के हालचाल जाने एवं वहां पर मौजूद डॉक्टरों से उसके इलाज के बारे में भी पूछताछ की। इसके बाद प्रदेश महिला अध्यक्ष समेत सभी कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने SP कार्यालय पहुंचकर DSP को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए एवं इस मामले में किसी तरह की कोई लापरवाही न की जाए। ये तो दिखा के आप लोग कहाँ हो? अरे देखिए, मगरास में रहने वाली ये मगर परिवार की महिला है, इनकी बच्ची अभी नाबालिग है और 12 जून को इस लड़की को, जैसा कि उन्होंने बताया कि एक गोलू नाम का लड़का लेके गया और इसके साथ इनका कहना है कि उसने गलत काम किया। तो जब इस लड़की ने फड़फड़ाई होगी, चिल्लाई होगी, तो उसको उसने मारा और मारने के बाद उसको उसने कहा कि शिकायत मत करना हमारी और उसको फेंक दिया। उसको ये लगा, जब ये बेहोश हो गए तो उसको ये लगा होगा कि ये मर गई, तो उसने उसको झाड़ी में फेंक दिया। जैसे कि इन्होंने बताया कि 12 जून की ये घटना है, फिर इतने समय से ये बात क्यों दबा के रखी गई? अब देखिए, हम तो उनकी दशा देख के ही हमें लगता है कि काफ़ी गरीब परिवार है और लड़की का मामला था, तो उनको ये लगा होगा कि भाई, अब चूँकि मगवास जो है वो राजनीति के एक अड्डा है ना, तो हो सकता है कि सामने वाली पार्टी को राजनीतिक वो मिल रहा हो, शरण मिल रही हो, संरक्षण मिल रहा हो, तो इस वजह से जब ये थाने भी गई तो उनकी रिपोर्ट नहीं सुनी, नहीं लिखी गई, फिर उनको रेफर कर दिया गुना। जब लड़की की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो ग्वालियर ट्रामा सेंटर में कर दिया, ट्रामा सेंटर में भी ठीक से इसकी देखभाल नहीं हो रही थी, ये यहाँ आ गई। तो इन्होंने कल रात को मुझे फ़ोन पे बताया, तो आज सुबह से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम SP साहब से मिले हैं, SP साहब ने बोला है कि हमने SP साहब को ये बताया कि हमारे जानकारी में ये है कि उस लड़के को भी उन्होंने नाबालिग बता दिया, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है लड़का नाबालिग नहीं है। उसकी भी हम लोग SP साहब से हमने निवेदन किया है कि इसकी पूरी जांच की जाए और अगर लड़का नाबालिग नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहाँ हमारे महिला समूह की बैठक थी, उस जगह मुझे महिलाओं ने बताया कि यहाँ पर ब्रगवास में ऐसा एक महीने पहले कांड हुआ है और उस नाबालिग बच्ची है और बच्ची की स्थिति बहुत कमज़ोर है, माँ बाप गरीब हैं। जब जाके हमने अपनी जिलाध्यक्ष जी से, वंदना मांडरे जी से और हमारी संगीता रजक जी को मैंने मैसेज किया, उनको बुलाया कि दीदी इतना बड़ा कांड, ये मंदसौर के बाद में हमारा गुना जो बहुत सुरक्षित था, मालवा का जो द्वार है हमारा,
लेकिन ये भी इस बच्ची को यदि बेहोशी की हालत में नहीं छोड़ते, उन्होंने तो इसको बेहोशी समझी थी कि लड़की मर गई है, ये इस तरह छोड़ के भागे हैं। आपको कैसे जानकारी लगी इसके बारे में? कल हम लोग मीटिंग में गए थे तो वहाँ महिलाओं ने मुझे, कहाँ गए थे? चाचोड़ा बैठक में गई थी कल मैं, वहाँ पे मुझे पता लगा कि मृगवास में ऐसी घटना हुई है, उसकी आप जांच करिए, पता लगाइए कहाँ पर है। तब मैंने पूरा पता लगाया, वंदना जी ने कहा कि इनको भी खबर लगी है, ये इनको किसी ने मोबाइल पर बताया था। जब हम आज सारे लोग इकट्ठे होके आए हैं, हमने यहाँ पर बात की है, इस हिसाब से मिले हैं, जांच की मांग की है कि गुना जिले में इस तरह की घिनौनी हरकत करने वाले लोग ये बचेंगे नहीं, इनको फांसी की सजा होना चाहिए। और इस तरह का मुकदमा जिन्होंने दायर करने में लेट की है, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और गरीब परिवार है, इसको उचित उपचार मिलना चाहिए। हम भी महिला कांग्रेस की ओर से इस बच्ची के लिए जो भी बन रहा है हम सहयोग करते हैं, और आने वाले समय में हम अपने वरिष्ठों से मीटिंग करके एक विधोर प्रदर्शन करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि जैसे इसमें पुलिस केस वगैरह कुछ भी इसमें लिखे नहीं, 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 जानकारी में ही नहीं, 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 पेट दर्द हो रहा है बस, कान दर्द हो रहा है। तो इसमें जैसे ये रिपोर्ट्स वगैरह आपके आ रहे हैं, इसमें कहीं भी कोई भी पुलिस की कोई भी एफआईआर की कॉपी या कुछ एमएलजी रिपोर्ट कुछ भी नहीं है? नहीं लगाया ना, बताया अटेंडेंट ने, कुछ नहीं बताया। मरीज अटेंडेंट ने तो बताया सिर्फ पेट दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है इसको, सर्दी खांसी हो रही है, बस कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। ये फाइल ले रखी है, सर ये मृगवास चौकी कुमराई थाने का मामला है, तो उसकी थोड़ा जानकारी चाहिए। तो दिनांक 12/6/2018 की घटना है। इसमें बालिका के पिता ने रिपोर्ट की कि बालिका के साथ रास्ता रोक के मारपीट की है। पिता की सूचना पर से थाना कुमराज पर 0 पे FIR दर्ज की गई है, और विवेचना के दौरान बालिका के बयान लिए गए, तो उसमें धारा 376 IPC और PASCO एक्ट की धारा भी बढ़ाई गई है। विवेचना के दौरान औपचारिक बालक को भी गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और उसमें विवेचना पूर्ण करके शीघ्र ही न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई सर? औपचारिक बालक की गिरफ्तारी हो चुकी है। धीरज कुशवाहा के समर्थन में उतरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आज रैली के माध्यम से प्रदर्शन करते हुए रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां उन्होंने रेलवे पुलिस को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें धीरज कुशवाहा के साथ की गई मारपीट को लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही गई। आरोपी टिकट चेकर एवं RPF के जवानों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की गई। आपको बता दें कि 10 तारीख को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पूर्व पार्षद धीरज कुशवाहा के साथ RPF के जवानों ने मारपीट की थी, जिसके चलते उसकी हालत बिगड़ गई थी और गंभीर अवस्था में उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। इस मामले में दोनों ही पक्षों की तरफ से FIR दर्ज करा ली गई है। वहीं पुलिस अधिकारियों की माने तो जांच के उपरांत ही GRP इस मामले में कार्रवाई करेगी। यहां की जनता के साथ अत्याचार करने वाले RPF पर पुलिस हाय 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 हाय, RPF पुलिस हाय 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 हाय, एक क्लब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, RPF पुलिस वालों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, दोषी RPF वालों पर कार्रवाई करने होगी करनी होगी, दोषी RPF पुलिस वालों पर साथियों, जैसा कि आप RPF की तालागर्दी और गुंडागर्दी जो यहाँ किसी से छुपी हुई नहीं है, यहाँ आए दिन आम आदमी के साथ में मारपीट की जा रही है, यहाँ आए दिन ऑटो वाले के साथ मारपीट। यादव ने मेरे सामने खुद को चाट दिए है, कान में से खून निकल गया है, खून का कान का पर्दा फट गया है। मैं अपने भाई के लिए न्याय चाहती हूँ, न्याय चाहती हूँ, न्याय चाहती हूँ। जिन लोगों ने भी मेरे भाई को खून का चर किया है उसको सस्पेंड किया जाए, और जो TC वगैरह जो भी है उनको भी सस्पेंड किया जाए। मैं फोन लगा रही, सोचो बता रहा है, मेरे पति की इतनी बुरी कंडीशन हो गई, उनका कान का पर्दा फट गया, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, पूरे पूरे माँ बाप बता रहे बोल रहे, बहनों तो भाई है, 3 बहनों में बताओ अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्ची का क्या होगा। जो के बाद जो है कि मोबाइल लगाया है, जैसे ही मोबाइल लगाया है कितना
नहीं, फोन पे बात नहीं करने दी, वो छुड़ा लिया फोन और मारने लग गए, हैं इतना मारा कि उठ दिया और कान चली गई। कान रियल ईयर हाथियों के साथ में अभद्र व्यवहार, मारपीट, मोटरसाइकिल व ऑटो चालकों से चालान तथा अवैध वसूली व झूठे प्रकरण दर्ज करने वाले वालों पर कानूनी व विभागीय कार्रवाई करने बाबत। और क्या धीरज कुशवाहा वाले मैटर में क्या कार्रवाई की गई है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया है और ये 10 तारीख की घटना है यहाँ स्टेशन की, जिसका GRP में दोनों पार्टियों की तरफ से केस दर्ज, जो भी कार्रवाई वहाँ विचाराधीन है, और जो मेमोरेंडम दिया है इसको मैं अपने उच्च अधिकारियों को फॉरवर्ड कर दूँगा, जो भी विभागीय कार्रवाई ऊपर से जो भी आदेश मिलेंगे कार्रवाई ऊपर से। अभी इसमें जो आरोपी पुलिसकर्मी है और TC है उन पर मामला दर्ज किया गया? हाँ, दोनों पार्टियों ने ही केस दर्ज कराना था, FIR दोनों पार्टी की दर्ज है। जी हाँ, मारपीट इसमें की गई थी बड़े स्तर पर, तो एकदम अचानक ऐसा क्या बात बनी कि मारपीट शुरू कर दी गई? स्टेशन पे है तो यहाँ जैसे उन्होंने टिकट विकट मांगे तो उन्होंने कुछ बोला बोला तो आपस में उनके कोई बात, और फिर पब्लिक की पब्लिक को पब्लिक की भीड़ में क्या हुआ है हमारा पीड़ी हुई दोनों आपस में बोलना पड़ेगा आपको। सर हुआ क्या कार्रवाई तो बताएं आप। GRP जांच कर रही है, वो जो जांच का जो रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो इतनी आप ID पे बोल देते सर दो। म्याना में हुए एक्सीडेंट में भाई और बहन की मौत हुई, जबकि दो नाबालिग बच्चियां सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल पर 4 लोग सवार थे जो शिवपुरी से गुना की तरफ आ रहे थे। वहीं म्याना ओवरब्रिज पर एक ट्रक के पीछे चल रहे थे। ट्रक चालक ने जैसे ही ब्रेक लगाया तो इनकी मोटरसाइकिल ट्रक से जा टकराई। इसके बाद घायलों को जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहाँ पर भाई और बहन की मौत की पुष्टि की गई। वहीं दोनों भांजियां सुरक्षित हैं। ये भी घायल है, तो वो भी गोल बंद हो गया, घायल है ना ये? हाँ, ये साथ में ही तीन सीटर। अभी आने का अस्पताल में नहीं, गुना अस्पताल में। ये नन्नूलाल सहरिया ग्राम लहरपुटा का है, इसकी बहन है बारौत शिवपुरी। तो ये अपनी बहन को और भांजियों को लेकर बारौत शिवपुरी से लहरपुटा आ रहा है। करीब 7:30 बजे म्याना ओवरब्रिज के ऊपर ढलान पर थी मोटरसाइकिल, इसके आगे एक ट्रक चल रहा था। ट्रक ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए तो इनकी गाड़ी ट्रक में पीछे टकरा गई, जिससे नन्नूलाल के माथे में यहाँ गंभीर चोट है, जिससे वो मौके पर ख़त्म हो गया। बाद बाकी इन तीनों घायलों को यहाँ भेजा। उपचार के दौरान इसकी माँ लताबाई, प्रियंका फरियादी की माँ लताबाई, वो ख़त्म हो गई, मृतक की बहन। क्योंकि ये दो भांजियाँ हैं प्रियंका और कृष्णा, कृष्णा अभी आपने देखा होगा अभी होश में नहीं है, और ये प्रियंका आपके सामने बैठी ये बयान दे रही है। कितने लोगों की मौत हो गई? ये दो की मौत हो चुकी, टोटल 4 लोग मोटरसाइकिल पर। मकसूदनगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। बैठक मकसूदनगढ़ धर्मशाला में रखी गई, जिसमें जिलों से आए बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की एवं समीक्षा की। इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी द्वारा आज संगठन को विस्तारित करने के लिए इधर मकसूदनगढ़ में मीटिंग रखी गई है, जिसमें तमाम अतिथियों का यहाँ आगमन हुआ है। किन मुद्दों पर चर्चा हुई? पोलिंग से सेक्टर मजबूत करने के लिए यहाँ हम लोगों द्वारा आज मीटिंग रखी गई है।
म्याना में जोरदार बारिश के चलते आज अंडरब्रिज में पानी भर गया, जिससे कि 2 घंटा यातायात बाधित रहा। म्याना में कुछ समय पूर्व इस रोड एवं अंडरब्रिज की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। म्याना में संयुक्त अतिथि संघ द्वारा म्याना में हनुमान मंदिर चौराहे पर रखी गई बैठक, जिसमें जिला अध्यक्ष द्वारा आह्वान किया गया कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती और अतिथियों को विभागीय परीक्षा ले या हमें नियमित करे। बैठक में कहा गया कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो आगामी चुनाव में सरकार के खिलाफ जाएंगे और सरकार की जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करेंगे। वहीं जिला स्तर पर आमरण अनशन भी जारी रहेगा। हम अतिथि शिक्षक लगभग 10 सालों से सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ना तो सरकार ने अभी तक हमें नियमितकरण के लिए विचार किया है और ना ही हमारी वेतन बढ़ाई है, और वर्तमान में ऑनलाइन भर्ती करवाकर हम पुराने अतिथि शिक्षक सभी को बाहर करने की योजना सरकार की है। हम अतिथि शिक्षक चाहते हैं कि अन्य राज्यों की तर्ज पर और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। उसी के लिए हम हर जिले में धरना दे रहे हैं। भोपाल में भी हमारी प्रदेश कमेटी धरना दे रही है और ब्लॉक और जिले स्तर पर हम धरना देंगे और सरकार की जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध होगा। अभी ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है, इसके वजह से हम आप क्या कहेंगे? ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है, उसमें हमारे 80-90% साथी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि नए लोग जो आ रहे हैं वो सेमेस्टर प्रणाली से 70-80% वाले आ रहे हैं, जिससे हमारे अतिथि शिक्षकों को बहुत नुकसान होगा। आपने आज बैठक रखी है, इसके आगे प्रक्रिया क्या है आपकी, क्या हुआ है इसमें आज बैठक में? आज हमने बैठक रखी है म्याना ब्लॉक में और हम कल से फिर दोबारा जिलों में सक्रिय हो जाएंगे और जिलों में अनशन करेंगे। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम जिलों से नहीं हटेंगे। अभी आप ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे अतिथि शिक्षक को? नहीं, तब तक हमारी ऑनलाइन प्रक्रिया बंद नहीं होगी, बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिलेगा और सरकार हमारी जो नीति, सरकार ने वादा किया था कि 3 माह में आपको, पारस जैन जी ने वादा किया था हमारे आंदोलन में आकर कि 3 माह में आपकी नीति बनाकर आप पर विचार किया जाएगा, उसकी एक ही बैठक हुई है अभी तक, उस पर कोई आगे बैठक नहीं हुई है। और अगर ये सरकार नहीं मानती तो आगे आपका क्या रणनीति है आगे? अगर आगे सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो आगे विरोध किया जाएगा सरकार की जन आशीर्वाद यात्रा का, और घर घर जाकर हम नोटा में वोट देंगे। और आगे कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है आगे आप? बिल्कुल, जब भी हमें भोपाल में परमिशन हमारी कमेटी द्वारा मिल जाएगी, सूचना दे दी जाएगी, हम भोपाल में पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में किसान यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा अरण्य खुर्द काला पीपल जिला शाजापुर से दिल्ली तक जाएगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा किसानों का कर्ज माफी, काला धन एवं टैक्स आदि के मुद्दे पर निकाली जा रही है। इस यात्रा में अहम मुद्दा किसानों के साथ सरकार द्वारा किया गया छलावा है। यात्रियों ने इस यात्रा के माध्यम से प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। गुना जिले में जिला कांग्रेस द्वारा इस यात्रा का स्वागत किया गया। काला पीपल विधानसभा के अन्य खुर्द ग्राम से चालू हुई है। यात्रा का मेन उद्देश्य है किसान का कर्ज माफ हो, युवा जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिले। जिस प्रकार 2014 में मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, अभी तक उनको रोजगार नहीं मिला है। किसी ने अपने बच्चे को पैसा घर गिरवी रख के पढ़ाया है, जमीन गिरवी रख के पढ़ाया है, लेकिन वो बोझ बन चुके हैं। आज अपेक्षाएं रखते हैं वो सरकार से कि वो उनके बच्चे को रोजगार दें और उनका घर मजबूत बने। जो बच्चे आज रोड पे नशा कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नशे के आदीन हो चुके हैं, उनको रोजगार मिलेगा, वो स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, घर में उनका अच्छा मेंटेन चलेगा। और मैं चाहता हूँ, और मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से दमन किया है मध्य प्रदेश के किसानों पे,
एक तरफ जा वो लेके जा रहे विकास यात्रा, उनका विकास नहीं विनाश यात्रा है। और अभी 2.5 करोड़ के रथ में जो जन आशीर्वाद लेने जा रहे हैं वो जन आशीर्वाद नहीं है, वो जन छलावा यात्रा है। 200 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं हम अरनिया खुर्द विकासखंड काला पीपल जिला शाहजहाँपुर से पधारे। बहुत बढ़िया, हम किसानों के विकास के लिए, हम किसानों का कर्जा माफ करने के लिए, पेट्रोल डीजल की कीमत के विरोध में, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए रहेंगे, शिवराज सिंह ने वायदा किया था कि हमारे हर किसान का 50,000 का कर्जा माफ करेंगे, ऐसा उन्होंने अपना वायदा से मुकर गए हैं। 2 करोड़ आदमी को रोजी रोटी देने का वायदा किया था, आज वो उससे मुकर गए हैं। और हमारे किसान के ऊपर नोटबंदी और भी अन्य प्रकार के टैक्स लगाए हैं। अगर ये किसान वो किसान मार सरकार है, ये किसान मार सरकार है, और शिवराज सिंह की सरकार छलवा सरकार है, किसान मार सरकार है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में किसान यात्रा का आह्वान ग्राम कालापीपल अरण्य से दिल्ली तक का आयोजन किया जा रहा है। एक किसान यात्रा है कांग्रेस पार्टी की, किसानों के ऊपर बढ़ते अत्याचार, दिन पे दिन कर्ज के कारण किसानों के आत्महत्या और बढ़ता युवाओं में बेरोजगारी, इसी को लेकर हमारे भाइयों ने, किसान साथियों ने इस यात्रा का आयोजन किया है, और जिला कांग्रेस के नेतृत्व में हमने इनका इस यात्रा का स्वागत किया है। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि यात्रा सफल हो और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि आए, वो किसानों की तरफ उनका रुख अख्तियार। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।